आजाद भारत के वो पांच बहादुर बेटे जिन्हें सदियों तक नहीं भूलेगा भारत, हिंदुस्तान के वो वीर जिनके नाम से आज भी कांपता है पाकिस्तान। 15 अगस्त 1947 अंग्रेजी हुकूमत की बेड़ियों को तोड़कर हिंदुस्तान आजाद हुआ था। सैकड़ों स्वतंत्रता सेनानियों की कुर्बानियों के बाद भारत को ये दिन नसीब हुआ। देश आजाद हुआ, दुश्मन ने साजिशें रची और इसके बाद भी भारत माँ के सपूत अपनी जान पर खेलते रहे और तिरंगे का मान हमेशा आसमान से ऊंचा रखा। आज आपको आजाद भारत के ऐसे पांच वीरों की कहानी दिखाएंगे जिन्होंने अपनी जिंदगी ही राष्ट्र के नाम लिख दी थी। वीर अब्दुल हमीद भारत माँ का वो बेटा जिसने मैदान जंग में 8 पाकिस्तानी टैंकों की कब्रगाह बना दी थी। उत्तर प्रदेश के गाजीपुर जिले में जन्मे अब्दुल हमीद ने 20 साल की उम्र में ही भारतीय सेना की वर्दी पहन ली थी। अब्दुल हमीद ने 1965 के भारत पाकिस्तान के युद्ध के दौरान खेमकरण सेक्टर के गांव आसल उत्ताड़ में जब पाकिस्तानी सेना ने हमला किया तो भारतीय सैनिकों के पास ना तो टैंक थे और ना ही बड़े हथियार। इस मुश्किल वक्त में अब्दुल हमीद के हौसलों को देखकर पाकिस्तानी पीछे भागने को मजबूर हो गए थे। अब्दुल हमीद ने महज अपनी गन माउंटेड जीप से पाकिस्तान के उन टैंकों को तबाह कर दिया था जिन्हें अजय माना जाता था। अब्दुल हमीद ने 8 पाकिस्तानी टैंकों को उड़ाया था। जब उन्होंने एक और टैंक को निशाना बनाया तो एक पाकिस्तानी सैनिक ने उनकी जीप पर गोला फेंक दिया। मरते मरते अब्दुल हमीद पाकिस्तान का एक और टैंक बर्बाद कर गए और वतन की हिफाजत के लिए परमवीर हमीद कुर्बान हो गए। शहीद होने के बाद उनको भारत का सर्वोच्च सेना पुरस्कार परमवीर चक्र देकर सम्मानित किया गया था। में हिमाचल प्रदेश के पालमपुर में पैदा हुए कैप्टन विक्रम बत्रा 6 दिसंबर 1997 को आर्मी में कमीशन हुए और 1999 तक कारगिल की जंग में कूद गए थे। विक्रम ने 20 जून 1999 को .5140 की चोटियों पर तिरंगा लहराया था और नारा दिया था, ये दिल मांगे मोर। उन्होंने पाकिस्तान के 5 सैनिकों को मौत की नींद सुलाया था। जब उनके एक साथी को दुश्मन की गोली लगी तब विक्रम जान की परवाह किए बिना साथी को बचाने के लिए दौड़ पड़े। उनके साथियों ने विक्रम को रोका लेकिन दोस्त के लिए विक्रम ने अपनी जान की बाजी लगा दी और इसी दौरान दुश्मन की गोली विक्रम को आकर लगी और कैप्टन विक्रम बत्रा शहीद हो गए। मरणोपरांत विक्रम को सेना का सर्वोच्च सम्मान परमवीर चक्र मिला। ब्रिगेडियर मोहम्मद उस्मान जम्मू कश्मीर में पाकिस्तानी सैनिकों से लड़ते हुए 3 जुलाई 1948 को शहीद हुए थे। वो भारतीय सेना के एक शानदार और जांबाज अधिकारी थे। भारत पाकिस्तान के बंटवारे के वक्त कई मुस्लिम अधिकारी जब पाकिस्तान जा रहे थे तब उस्मान ने पाकिस्तानी सेना में जाने से इनकार कर दिया था और वो भारतीय सेना में ही रहे थे। उन्होंने जीवन भर भारत की सेवा की और इसी देश की खातिर लड़ते हुए शहीद हुए थे। जानकार बताते हैं कि अगर ब्रिगेडियर उस्मान शहीद न होते तो वह भारतीय सेना के पहले मुस्लिम सेना अध्यक्ष होते। नौशेरा के इस शेर ने महज 36 साल की उम्र में शौर्य और पराक्रम की जो गाथा लिखी वो भारत के इतिहास में अमर हो गए। यूपी के सीतापुर के मनोज 1997 में इंडियन आर्मी में भर्ती हुए थे। एक इंटरव्यू में जब मनोज से पूछा गया कि वो सेना में क्यों जाना चाहते हैं, तो मनोज का जवाब था परमवीर चक्र जीतने के लिए। वो अपने दोस्तों से कहते थे अगर मेरे फर्ज के रास्ते में मौत रोड़ा बनकर आई तो कसम से मैं मौत को भी मार दूंगा। कारगिल में उनकी टीम को दुश्मन सैनिकों को खदेड़ने का काम सौंपा गया था। खून से लथपथ होने के बाद भी मनोज ने कई चोटियों को जीतने में अहम भूमिका निभाई थी। उन्हें भी मरणोपरांत परमवीर चक्र मिला, जो सेना का सर्वोच्च सम्मान होता है। देश की राजधानी दिल्ली के रहने वाले हनीफुद्दीन का जन्म 23 अगस्त 1974 को हुआ था। कारगिल युद्ध में 6 जून 1999 को लद्दाख के तुर्तुक एरिया में 18,000 फीट की ऊंचाई पर ऑपरेशन थंडरबोल्ट शुरू किया गया था, जिसे 11वीं राजपुताना राइफल्स की एक टुकड़ी ऑपरेट कर रही थी। इस पूरे ऑपरेशन को कैप्टन हनीफुद्दीन लीड कर रहे थे। उनकी टीम ने कई पॉइंट को दुश्मनों से आजाद करा लिया था। वो लगातार अपनी टुकड़ी के साथ आगे बढ़ रहे थे। इसी बीच दुश्मनों ने कैप्टन हनीफुद्दीन की टुकड़ी पर गोलीबारी शुरू कर दी। बर्फ से ढकी चोटियों पर दुश्मन को मार गिराने के लिए हनीफ गोलीबारी के बावजूद आगे बढ़ते रहे। हथियार खत्म होने के बावजूद आखिरी दम तक वो दुश्मनों से लड़ते रहे।
कैप्टन समझ गए थे कि दुश्मन की तादाद ज्यादा है और उनकी टीम छोटी है। कैप्टन ने अपने साथियों को सुरक्षित जगह पर भेज दिया और दुश्मन का ध्यान भटकाया। लेकिन इसी बीच कैप्टन हनीफुद्दीन भारत माँ को सलाम करते हुए महज 25 साल की उम्र में शहीद हो गए। कैप्टन हनीफुद्दीन को इस अदम में साहस के लिए वीर चक्र से सम्मानित किया गया। इनके अलावा ब्रिगेडियर कुलदीप सिंह चांदपुरी, ग्रेनेडियर योगेंद्र सिंह यादव, फील्ड मार्शल मानेकशॉ जैसे वीर भी आजाद भारत का गौरव रहे हैं। बाकी खबरों के लिए देखते रहिए जनसत्ता डॉट कॉम।